आज हम करते हैं उसका मैथमेटिकल एनालिसिस कि ऑसिलेशंस कैसे होता है और क्या फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशंस की। दो तरह के सर्किट हो गए। देखिए, ध्यान रखिए कि ऑसिलेशन केवल तब हो पाएगा जब सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एक साथ हो, ताकि एनर्जी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो सके। अगर केवल रेजिस्टर और इंडक्टर है तो ऑसिलेशन नहीं होगा, रेजिस्टर और कैपेसिटर है तो भी ऑसिलेशन नहीं होगा। ऑसिलेशन होना ही तब है जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हो। और दोनों को लगने के दो तरीके, कैपेसिटर इंडक्टर सीरीज में भी हो सकते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर पैरेलल में भी हो सकते हैं। पहले हम करते हैं, लिखते हैं हेडिंग ऑसिलेशन इन सीरीज एलसी सर्किट। ऑसिलेशन इन सीरीज एलसी सर्किट क्या किया आपने? सिंपली एक सर्किट प्योर इंडक्टर, एक प्योर इंडक्टर और एक प्योर कैपेसिटर, दोनों को आपने लगा दिया। किसमें? एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ लगा दिया दोनों को सीरीज में। सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना? E=E0 sin ωt, राइट? डायग्राम इसमें हालांकि जरूरी भी नहीं है बनाना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स से सारी लिखते हैं। कंसिडर अ प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर एल एंड ए प्योर कैपेसिटर सी। कंसिडर अ प्योर कंसिडर अ प्योर इंडक्टर एल एंड अ प्योर कैपेसिटर सी प्योर इंडक्टर एल एंड प्योर कैपेसिटर सी कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। E=E0 sin ωt. Let at an instant the current in the circuit be I and the charge on the capacitor be Q. ठीक, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब मैथमेटिक्स से ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर V=Q/C, ठीक है? चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पर है चार्ज Q, कैपेसिटर की कैपेसिटी है C, देन EMF induced across the ends of inductor be E. E=S कितना बनेगा आपका? -LdIdt, करेक्ट? इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुआ आपका कितना? ई। और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। और पहले भी हमने ये बात डिस्कस करी है कि कैपेसिटर और इंडक्टर के बिहेवियर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जहां इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट को, वहां कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को, करेक्ट? इंडक्टर की टेंडेंसी है कि वो वोल्टेज को आगे भेजता है करंट से, और कैपेसिटर की टेंडेंसी है कि वो वोल्टेज को पीछे कर देता है किससे? करंट से।
तो सस्टेन्ड करंट फ्लो करने के लिए, करंट सस्टेन होने के लिए एटलीस्ट क्या रिक्वायर्ड है फॉर सस्टेन्ड करंट? एटलीस्ट आपका V किसके इक्वल हो, E के इक्वल होना चाहिए। जितना ये फॉरवर्ड फोर्स फॉरवर्ड करे उतना ही कम से कम ये बैकवर्ड करे, तभी करंट फ्लो कर पाएगी। तो अब V कितना है आपका Q बाय C और E कितना है माइनस L डी आई बाय डी टी। तो फिर अब क्या क्या इक्वेशन बनी, L डी आई बाय डी टी प्लस Q बाय C इक्वल्स जीरो। और खुद करंट अपने आप में क्या होती है, करंट खुद अपने आप में क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जब हम यहां करंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी बताइए, L डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज प्लस Q बाय C इक्वल जीरो। क्लियर है इतनी बात, राइट? और अब ये फिर से आपकी क्या इक्वेशन बन गई है, ये आपकी इक्वेशन बन गई किसके, अच्छा इसे इसे हम एक L से और डिवाइड कर दें, L से हम इसे और डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 बाय L C और Q इक्वल जीरो। इसे आप कंपेयर करें किससे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल जीरो। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, एक्स यहां डिस्प्लेसमेंट है और यहां क्यू क्या है, चार्ज है। जैसा वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट में वैसे ही वेरिएशन चार्ज में। तो फिर क्या बना आपका, देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या बना आपका, 1 बाय एल सी, और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा बन जाएगा आपका 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, याद है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और ये बना 1 बाय स्क्वायर रूट एल सी, और फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली फाइंड हो गई 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड। ये वो फ्रीक्वेंसी हो गई जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर चार्ज ऑसिलेट करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर में। क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग, क्या हुआ इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, देखिए ये एक बॉडी है, ये ऑसिलेट कर सकती है, इट इज कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट करने के लिए रेडी है ये। आपने इस पर एक बार फोर्स लगाई, अब जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रही है, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी, इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये। लेकिन जरूर थोड़ी बार नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मैंने इसे हाथ से पकड़ लिया और मैं अब ऑसिलेट करा रहा हूं, ऑसिलेट तब भी कर रही है, लेकिन अब ये ऑसिलेशन इसकी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर नहीं है ये ऑसिलेशन, बल्कि कैसे है ये ऑसिलेशन फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी पर है। कितनी फ्रीक्वेंसी पर है, जो फ्रीक्वेंसी इसकी रिपीटेड फोर्स की है वही इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, ये कौन सी वाइब्रेशन है, फोर्स्ड वाइब्रेशन, और ये कैसे है इसके, ये नेचुरल वाइब्रेशन है। समझ रही बात, यहां जो आपकी फ्रीक्वेंसी फाइंड हुई है 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये कहलाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी सर्किट, एल सी सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जरूरी नहीं है कि जो आपने सोर्स लगाया हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी भी यही हो, फ्रीक्वेंसी सोर्स की डिफरेंट भी हो सकती है, यही भी हो सकती है, करेक्ट कीजिए इसे। लिखिए इसमें, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी सर्किट, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी सर्किट।